नेता सलमान खुर्शीद साहब, प्रमोद तिवारी जी, यूपी के गद्दावर स्टॉलवर्ट नेता खुर्शीद साहब, मुजफ्फर साहब और सदर साहब का नाम तो लेना लाजमी बनता है। इतना अच्छा शमीम साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उनकी मार्फत से हमें यहाँ आने का मौका मिला, आप सबसे मुखातिब होने का मौका मिला, तो खास करके उनको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। और आप सबके और कांग्रेस पार्टी के चहेते और गद्दावर नेता परवेज हाशमी साहब, जो 4 बार से यहाँ से एमएलए रह चुके हैं दिल्ली से, और 5वीं बार आपकी मार्फत से बन रहे हैं, और 2 बार से राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, कई सारे मिनिस्ट्री संभाले हैं उन्होंने। यहाँ पर मंच पे जितने भी अजीम शख्सियत बैठे हैं और मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, माताओं, बच्चों, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, प्रणाम, प्यार। आज ये दौर जो चल रहा है, ये बहुत ही अहम दौर चल रहा है, और ये सबको अपनी मुस्तकबिल इस दौर में तय करनी है, क्योंकि ये जो माहौल बीजेपी ने बना रखा है, ये खास करके इसलिए बना रखा है, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बना रखा है, क्योंकि उनके पास कई सारे चीजों के जवाब नहीं है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सालाना रोजगार देंगे, ये उन्होंने आज 5.5 साल उन्हें हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ नौकरियां दी हैं और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो युवा बेरोजगार हैं, किसी के पास नौकरियां नहीं है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, कश्मीर की इंचार्ज भी हूँ, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर में वो कथुआ में उस बच्ची के साथ रेप हुआ था और कौन कौन उसके पीछे पाया गया था, उसके बाद जो विवादित बयान इनके खुद के नेता देते हैं, जैसे कि इनके एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर जो इन्होंने अनुराग ठाकुर ने बयान दिया परसों, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, और ऐसे ऐसे बयान इनके सीएम जो यूपी के देते हैं, वो कहते हैं कि आदमी सब रजाई ओढ़ के सो रहे हैं और महिलाएं बाहर आके चौराहे पर खड़ी हैं और बैठी हैं और 500-500 रुपए में। तो मैं समझती हूँ ये बहुत आपत्तिजनक बातें हैं, और अभी ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं धान भटकाने के लिए। पिछले ये 13 साल से एमसीडी इलेक्शन में ये लोग लगातार जीतते आ रहे हैं, और किस तरह से दिल्ली की साफ सफाई हो रही है, स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से चल रहा है, ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल एनपीआर सीएए एनआरसी के वजह से तो इन्होंने बिगाड़ के रखा हुआ है। और कई सारे नेता हैं, सलमान भाई आपसे कई सारी बातें इसके बारे में भी करेंगे, जामिया में जिस तरह से उन्होंने घुस घुस के बच्चों को मारा, जेएनयू यूनिवर्सिटी में घुस के जिन्होंने नकाबपोश ने मारा था, वो आज 1 महीना हो गया ये लोग उसको पकड़ नहीं पाए, आज 1 महीना हो गया, तो कानून व्यवस्था जो इनके हाथ में है ये कुछ लोगों को पकड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये करवाने वाले भी यही हैं, इसीलिए ये किसी को पकड़ नहीं पाते। और शाहीन बाग में भी घुस के जो इनके बयान के बाद जो इन्होंने कहा गोली मारो सालों को, उसके बाद ये लोग घुस के जो वाकई में गोलियां चलवा रहे थे, तो ये जो एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जानते हैं ये लोग हारने वाले, और आप सरकार की तो बात ही नहीं है, ये खुद ही विवाद क्रिएट करते हैं, ये साफ पानी की बात करते हैं लेकिन पानी साफ देते नहीं हैं, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन के सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जब भी शाहीन बाग के बारे में पूछो, जब भी सीएए और एनआरसी के बारे में पूछो, तो वो साफ तरीके से
कोई जवाब नहीं देते। या किसी भी बच्चों को, छात्राओं को जब मारा गया यूनिवर्सिटी में घुस घुस के, तो क्या वो गए थे वहां देखने के लिए? वो किसी भी मामले में जाके दिल्ली वालों के साथ या दिल्ली के बच्चों के साथ या किसी के साथ, महिलाओं के साथ कभी खड़े नहीं होते। तो आपको ये तय करना है, असम में ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रक्रिया हुई थी, एनसीआर, एनआरसी, एनपीआर और सीएए का, और उसमें 19 लाख लोग नागरिकता खो चुके हैं, और उस 19 लाख लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लाख मुसलमान भाई बहन हैं, लेकिन कम से कम 16 से 17 लाख हिंदू भाई बहन हैं। तो ये जो मुस्लिम हिंदू का विवाद फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत धारणा दी जा रही है कि ये सिर्फ इतने सालों से ये सीएए का मसला चलता आ रहा है, ये कोई नया मसला नहीं है। लेकिन इसको पहली बार इन्होंने एक सांप्रदायिक रंग दिया है, रूप दिया है, और ये कहा है कि मुसलमान इससे बाहर हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहती हूं कि जो चीजें, जो इतने साल से ये बीजेपी सारा झूठ फैलाती है, ये अदनान सामी कौन से जात से बिलोंग करते हैं, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ही दिया ना इनको नागरिकता। तो नागरिकता किसी ने भी देने से कभी उनको रोका नहीं था, कितने सालों से नागरिकता दी जा रही थी। तो ये जो झूठ और भ्रम ये फैला रहे हैं कि नागरिकता हमें ये लोग नहीं चाहते कि नागरिकता देना, लेकिन ये जो सारे किसान भाई त्रस्त हैं, ये सारे युवा जो त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं, ये हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में अगर आप देखो तो कितनी महिलाएं रोज जल जल के मर रही हैं, उनको जलाया जा रहा है, और ये सारी महिलाएं क्या मुस्लिम है? ये हिंदू नहीं है? या पूरा जो विश्व भर में, देश भर में, मैं तो कह रही हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व भर में ये एनआरसी और सीएए को लेके एक मसला चल रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। और ये जो चीज है, ये जानते हैं कि सिर्फ ये ध्रुवीकरण करके, एक आखिरी बार बोल के जा रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैं मेरठ से भी इलेक्शन लड़ी हूँ, और मुझे पता है कि किस तरीके से इन लोगों ने घुस घुस के सारे लोगों को किस तरह से मारा है, गोलियों से छलनी किया है, और बेगुनाह लोगों को। और इसी तरह से कुछ देर पहले इन्होंने दलितों के साथ भी जाके, उनके हाथ में उनको बंदूक दी गई थी और उनको फोटो खींचा था, उनका कोई संबंध नहीं था किसी चीज से, कोई क्राइम से। तो ये सारी चीजें ये लोग करने के अधीन है। तो आप सबको चौंकाना रहना है, और जिस तरह से प्रमोद जी ने कहा है कि ये एक ऐसा, ये कांग्रेस पार्टी ही है जो इस पूरे इनके षड्यंत्र को, एक तरीके से जो ध्रुवीकरण का षड्यंत्र है, उसको रोक सकती है। इन लोगों ने, आरएसएस ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत की सेना तैयार नहीं है, लेकिन हमारे पास सेना तैयार है, कम से कम 50 लाख लोगों को इन्होंने अस्त्र शस्त्र देके बहुत भारी भरकम ट्रेनिंग दी है, और इन्होंने कहा है कि हम इन्हें तबाह बर्बाद करने के लिए छोड़ देंगे सबको, और ये 6 दिन के अंदर हम करके दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं उनने कहा है। तो ऐसी सारी चीजें, और ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर के भी बारे में, ये हमारी सोच की उपज नहीं है, बल्कि गृह मंत्री ने बाकायदा पार्लियामेंट में ये बात की है, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने ऐसी बात नहीं की है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में भी ये अभिभाषण पढ़ा था और कहा था सर्वसम्मति में कि ये होने जा रहा है और इस तरीके से होने जा रहा है। तो ये जो कहते हैं बार बार के लोगों में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन लोगों में, उनके दिमाग में है, तो ये दिमाग का कन्फ्यूजन नहीं है, ये कन्फ्यूजन इन्हीं लोगों ने पैदा किया है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के दिल से एक ही इल्तिजा करती हूं कि आने वाली 8 तारीख को, मैं अभी किसी की बात सुन रही थी कि बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे भाई नागरिकता नहीं रहेगी तो ये सब फ्री फ्री क्या करोगे? इसीलिए पहले ये सारी चीजों को छोड़ के परवेज भाई को वोट दीजिएगा, और इनको आप जिताइएगा, ताकि
ये आपकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ सकेंगे और खड़े रह सकेंगे। और जैसे ये सब कहा है कि यहाँ पर बत्तियां भी इन्होंने ही लगाई है, रास्ते भी इन्होंने ही बनाए हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर दिल्ली का प्रगति हुआ है, विकास हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना भाजपा ने किया है, ना आम आदमी ने कोई झाड़ू लगाया है और कोई साफ सफाई की है। तो इसीलिए उनके भ्रम में मत रहिएगा और आने वाले 8 तारीख को भारी से भारी बहुमतों से परवेश भाई को एक बार फिर से जिताइएगा। और उनसे वादा लेके जाते हैं कि जब वो जिताएंगे तो इंशाल्लाह वो जरूर बुलाएंगे, फिर एक बार मैं आपके बीच में आऊंगी। एक बार दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, मुझे यकीन दिला दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और परवेश भाई बुलाएंगे ना, जीतेंगे तो? हाँ, तो बिल्कुल जीतने वाले हैं और बिल्कुल बुलाने वाले हैं। बस यही है कि भारी भरकम वोटों से परवेश भाई को जिताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।